फिरोजाबाद में घनी आबादी के बीच संचालित हो रहे रसूलपुर थाने का बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा विधायक मनीष सिसीजा सहित एसएसपी आशीष तिवारी के साथ साथ पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। विगत लंबे समय से इस भवन के निर्माण का कार्य चल रहा था। फिरोजाबाद जनपद का रसूलपुर थाना विगत लंबे समय से संसाधनों और जगह के अभाव से जूझ रहा था। यहां पर पुलिसकर्मियों की समस्या को देखते हुए पुलिस लाइन से पहले नए भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। विगत कई महीनों से इस भवन के शुभारंभ की तैयारी की जा रही थी। अब आकर यह उम्मीद पूरी हुई है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने नई बिल्डिंग का वर्चुअल उद्घाटन कर दिया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। सर, आज जो यहाँ पर वर्चुअल लोकार्पण किया गया है, क्या है सर? आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 144 निर्माण कार्य जो निशुल्क थे उनका उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में आज यहाँ जनपद फिरोजाबाद में जो 5.97 करोड़ की लागत से पुलिस भवन बना है रसूलपुर का, उसका उद्घाटन किया गया। निश्चित रूप से बड़ी फैसिलिटी जो है वो आज फिरोजाबाद पुलिस को मिली है, जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, पूरे सिटी सर्कल में हमेशा परेशानी होती थी कर्मचारियों के रहने की, उसकी व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था, जितने भी हमारे कार्यालय थे जिनमें बैठने की प्रॉब्लम होती थी, वो सारी व्यवस्था। इस तरीके से इस क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित भवन, सुव्यवस्थित पुलिसिंग व्यवस्था के लिए एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। और निश्चित रूप से हम सभी जनपदवासी और फिरोजाबाद पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के कृतज्ञ हैं कि इतना अच्छा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है। करोड़ की पुलिस बल की अवस्थापना सुविधाओं की जो संरचनाएं थी जो भी पूरी हुई हैं उनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया गया है। इसका मुख्य आयोजन लखनऊ में हुआ था और जहाँ जहाँ स्थानों पर इस प्रकार के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थे, भवन थे या निर्माण कार्य थे, वहाँ के यहाँ पर जैसे हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुखाजी और यहाँ के सम्मानित अन्य जनप्रतिनिधि
किताबों को पास कराकर नई थाना का काम